स्टूडेंट फाउंडेशन ने कोकण आयुक्त को दिया ज्ञापन, कॉलेजों की मनमानी रोकने और छात्रों को फीस वसूली में राहत देने की मांग। छात्रों से पूरी फीस वसूलने की मनमानी कर रहे शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई हो और छात्रों को शिक्षा से न वंचित किया जाए, इसकी मांग को लेकर मनोज महाराणा की अध्यक्षता वाले नवीनबई स्टूडेंट एंड यूथ फाउंडेशन ने आज कोकण आयुक्त को ज्ञापन देकर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने की मांग की। इस दौरान भाजपा नेता दशरथ भगत एवं युवा नेता निशांत भगत समेत तमाम छात्र मौजूद थे। कोकण उपायुक्त मनोज रानाडे से चर्चा के बाद बीजेपी नेता दशरथ भगत ने कहा कि छात्र शिक्षण से वंचित न हो इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम गाइडलाइंस जारी किए हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान है कि इसे मानने को भी तैयार नहीं है और अपनी मनमानी करने में जुटे हैं। दशरथ भगत ने चेतावनी दी कि अगर छात्रों के साथ जबरन फीस वसूली और उन्हें शिक्षा से वंचित करने की यह मनमानी नहीं रुकी तो शिक्षा का व्यवसाय करने वालों के खिलाफ वे चुप नहीं बैठेंगे। राज्य शासनाने जो निर्णय घेतलेला आहे की नागरिकांकडे पैसे नाही आहेत तर ते पैसे तुम्ही एक तर त्यांना सवलत द्या आणि त्या सवलतीमध्ये त्याचे हप्ते ठरवा, इन्स्टॉलमेंट ठरवा, टप्पे ठरवा। एकदा सर्व पैसे मागू नका, त्यांना शिक्षण वंचित करू नका, त्यांचा अपमान करू नका, त्यांच्या पालकांचा अपमान करू नका, त्यांना ऑनलाईनपासून बाजूला करू नका, त्यांना ग्रुपमधून बाहेर बाजूला काढू नका, त्यांना शिक्षण द्या असं राज्य शासनाचा आदेश आहे। हा आदेश UGC ने, मुंबई विद्यापीठाने, सर्व महाविद्यालय आणि सर्व शाळांना, शैक्षणिक संस्थांना पाठवून दिल्यानंतर सुद्धा आज या सर्व शैक्षणिक संस्था शासनाचा आदेश केराच्या टोपरीत दाखवत आहेत। शासनाने जो निर्णय घेतलेला आहे त्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासन करत आहेत, परंतु कुठली सुद्धा संस्था या प्रयत्नाला जुमानत नाही। सरक केराची टोपरी दाखवलेली आहे, त्या कचऱ्याच्या कुंडीमध्ये टाकलेला आहे। ह्यामध्ये शासनाचा इन्सल्ट आहे, शासनाचा अपमान आहे, शासनाच्या धोरणाविरोधात वागतात, नागरिकांची फरफड होत आहे। म्हणून या ठिकाणी कोकण आयुक्ताकडे आम्ही शासनाच्या वतीने त्यांना देण्यात आलेलं आहे। पुढे जर शैक्षणिक संस्थांनी अशाच पद्धतीने हरेशमेंट अरेरावी आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित करून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर धुळीस मिळवत असतील तर या ठिकाणी आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। वही युवा नेता निशांत भगत ने शिक्षण हक अभियान का हवाला देते हुए छात्रों के साथ कॉलेजों की तानाशाही और जबरन फीस वसूली पर सवाल उठाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोकण आयुक्त छात्रों की इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समाधान जरूर निकालेंगे। आज या ठिकाणी कोकण आयुक्तांकडे फाउंडेशनच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आलं। आज या ठिकाणी शासनाला नम्र विनंती करतो की आपण जर मोफत उपचार देत असाल, मोफत अन्नधान्य देत असाल, तर आपण मोफत शिक्षण का देत नाही असा प्रश्न विचारण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत। आणि भगतसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली मनोज महाराणा यांच्या संकल्पनेतनं हा शिक्षण हक्क अभियान जो नावारूपाला आणलेला आहे, याच्यामध्ये पालक, विद्यार्थी आणि प्रशासनानेही सहभागी होऊन या शिक्षण हक्क अभियानामध्ये सर्वजण सामील होऊन शासनाने याबाबत विचार करावा म्हणून आज कोकण आयुक्तांकडे निवेदन देऊन जे विद्यार्थ्यांच्या समस्या आहेत, जे विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आहेत, ते पूर्ण करण्यासाठी या ठिकाणी निवेदन देण्यासाठी आलो होतो। इस दौरान छात्रों का नेतृत्व कर रहे स्टूडेंट एवं यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज महाराणा ने कहा कि लॉकडाउन के बीच फीस भर पाने में असमर्थ छात्र पढ़ाई से वंचित न हो जाएं, इसके लिए फाउंडेशन स्कूल कॉलेजों को निवेदन देकर लगातार अपील कर रहा है, लेकिन तमाम इंस्टीट्यूट हैं जो फीस के नाम पर जबरन वसूली करने से बाज नहीं आ रहे। मनोज महाराणा ने कहा कि हमें कोकण आयुक्त पर भरोसा है कि वे छात्रों के हित में सकारात्मक रुख अपनाएंगे। हालांकि महाराणा ने चेतावनी भी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कुछ कॉलेज है, कुछ स्कूल्स है नवी मुंबई में जहां पर बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है फीस के लिए, जहाँ पर लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कोरोना संसर्ग में लॉकडाउन के अंदर जो फाइनेंशियल कंडीशन सबकी ख़राब हुई है, फिर हर एक फैमिली की ख़राब हुई है, और उसमें ये कॉलेज कहाँ तो या स्कूल कहाँ तो लूट मचा रही है, तो ये ना हो
वो बच्चे का एजुकेशन ना रुके, उसको ऑनलाइन क्लासेस से उसको ना निकाले, या उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप रहता ऑफिशियल वहाँ से ना निकाले, उसका उसको एजुकेशन पूरा करने दे। ये सब मुद्दे लेके हम आज कोकण आयुक्त साहब से हमने मिला, हमने उन्हें निवेदन दिया है और उसमें हमने मेंशन किया है कि क्या क्या अभी फ़िलहाल इश्यूज़ हो रहे हैं। और मुंबई यूनिवर्सिटी का जो रूल है, शिक्षण अधिकारी का जो रूल है, जो भी इंस्टॉलमेंट का हो या ट्यूशन फ़ी लेने का उन्होंने जो जिक्र किया है उसमें, तो ये सब लागू हो और हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में लागू हो। कॉलेज प्रशासन का जो जो भी कॉलेज प्रशासन कर रहा है, बहुत सारी चीज़ कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है कि बच्चों को 56,000-57,000 फीस है और उनको इंस्टॉलमेंट की सुविधा नहीं दी जा रही है, और जो यूनिवर्सिटी का सर्कुलर है उसके अगेंस्ट में काम किया जा रहा है। तो ये सब रुके कहीं तो, और वो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं उसको एक एजुकेशन का उसको जो भी जस्टिस मिले, इसलिए हम लोग ने आज कोकण आयुक्त साहब से हमने मिले, डेप्यूटी कमिश्नर से हम आज मिले, उनको हमने लेटर दिया, उनको हमने सब चीज़ें बताई है। अभी आगे उन्होंने को हमने ये भी उन्हें बताया है कि अगर आगे जाके अगर ये कॉलेजेस अगर ऐसे ही उनका रवैया रहेगा और ऐसे ही अगर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए, तो हम स्टूडेंट विंग के तरफ से हम एक शायद हम आगे जाके एक आक्रामक भूमिका ले सकते हैं। ऐसा ना हो इसीलिए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर निकाल कुछ करेंगे, उन लोग कुछ तो कुछ उसमें रिजल्ट लाएंगे, तो अभी आगे देखेंगे अभी कैसे ये कॉलेज और स्कूल्स अपने हिसाब से काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।